सब्सक्राइब कीजिए विशाल ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों विशाल ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो आप सभी के लिए देखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ किस तरह से आप अपने किसी भी सिम को किसी और कंपनी में पोर्ट करा सकते हैं। जैसे कि मान लीजिएगा दोस्तों आपके पास रिलायंस जियो सिम है, तो दोस्तों जैसे कि आप सभी जानते हैं रिलायंस जियो के नेटवर्क ठीक से नहीं आ पाते हैं, उसे आप अगर आइडिया में पोर्ट कराना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप अपने सिम को किसी और कंपनी में पोर्ट करा सकते हैं। यानी कि जैसे मान लीजिएगा आपके पास आइडिया का सिम भी है और उसमें आपको अच्छे ऑफर नहीं मिल रहे हैं, तो आप उसको वोडाफोन एयरटेल या फिर किसी भी कंपनी में पोर्ट कर सकते हैं। मेरा कहने का मतलब यह है कि आपके पास कोई भी सिम हो, आप सिर्फ एक सिंपल सी प्रोसेस को फॉलो करने के बाद आप अपने सिम को यहाँ पर पोर्ट करा सकते हैं। तो यहाँ पर आपको सिम पोर्ट कराने के लिए क्या क्या चाहिए मैं सबसे पहले वो आपको बता देता हूँ। सबसे पहले दोस्तों आपको उस मोबाइल नंबर को आपके पास वो मोबाइल नंबर होना चाहिए जिसको आप पोर्ट कराना चाहते हैं। उसके बाद उस मोबाइल में मतलब उस नंबर पर जो है आपके एक रुपया होना अनिवार्य है, क्योंकि यहाँ पर आपको एक SMS करना होता है। उस SMS का जो चार्ज होता है वो एक रुपया होता है, यानी कि आपका जब एक रुपया कट जाएगा जब भी आप इसके आगे की प्रोसेस में बढ़ पाएंगे। तो मैं सबसे पहले आपको बता कैसे कटेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना मोबाइल ले लेना है जिसको आप पोर्ट करना चाहते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको उसका SMS बॉक्स को ओपन कर लेना है। तो यहाँ पर मैं अपने SMS बॉक्स को ओपन कर लेता हूँ। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों आपको एक SMS लिखना होगा। तो मैं आपको बता देता हूँ SMS में आपको क्या लिखना होगा। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर इसको खोल लिया है, अब यहाँ पर आपको SMS में लिखना होता है PORT, आपको एक कैपिटल में लिखना होगा। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ पोर्ट PORT। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर लिख दिया है पोर्ट। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डाल देना है, जो भी आपका मोबाइल नंबर है जिसको आप पोर्ट करना चाहते हैं। ये उसी सिम से होगा, ये किसी और सिम से आपको ये मैसेज नहीं करना है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर अपना नंबर डाल दिया है और यहाँ पर मैंने पोर्ट लिखने के बाद आपको सिंपली यही करना है, बस यहाँ पोर्ट लिख के आपको अपना मोबाइल नंबर डाल देना है। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ 2 में आना और यहाँ पर आपको नंबर लिखना है 1900। तो यहाँ पर दोस्तों आपको इस नंबर पर इस SMS को सेंड कर देना है। तो यहाँ पर फिलहाल मैं अपने सिम को पोर्ट नहीं करने जा रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर इसको सेंड नहीं करूँगा। तो बस आपको इतना ही सेंड करना है। इसके बाद जो है आपके नंबर पर एक UPC कोड आ जाता है, उसको क्या करना है, आपको उस UPC कोड को लिख लेना है। उसकी जो वैलिडिटी होती है वो होती है सिर्फ 15 दिन की। इसके बाद जो है वो कोड जो है एक्सपायर हो जाता है। जैसे कि मान लीजिएगा आपने आज इस कोड को मंगाया है, तो आज ही आप जिस कंपनी में भी अपने वहाँ पर अपने आधार कार्ड या फिर कोई भी डॉक्यूमेंट जो है यहाँ पर वो कंपनी लेगी, वहाँ पर आपको वो डॉक्यूमेंट लेकर जाना होता है। इसके बाद वहाँ पर वो आपको एक नया सिम दे देंगे और उनकी जो FRC के रेट चल रहे होंगे वो उस FRC के हिसाब से आपसे पैसा ले लेगा। इसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों, सिंपली आपको 7 या 15 दिन में जो आपका सिम है बहुत ही आराम से पोर्ट हो जाएगा। तो ये बहुत ही सिंपल सी प्रोसेस है, इसको भी आपको फॉलो करना है। आप कहीं पर भी जाओ, आपको किसी जहाज में पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं, आप सिर्फ यही स्टेप को फॉलो करना और आपका सिम जो है 7 या 15 दिन में पोर्ट हो जाएगा। और एक बात मैं आपको और बता देना चाहूँगा, जब तक आपका सिम पोर्ट नहीं होता है आपका जो पुराना सिम है वो एक्टिवेट रहेगा, यानी कि उसकी सारी कॉल और सर्विस चालू रहेंगी। यानी कि जैसे कि मान लीजिएगा आपके 15 दिन के बाद दूसरा सिम स्टार्ट होता है तो आप ब्लॉक हो जाएगा। उसके बाद आप सेकंड वाले सिम को डालने के बाद अपनी सारी सर्विसें उस सिम पर ले सकते हैं। तो जो तरीका है आप इस तरह से अपने सिम को पोर्ट कर सकते हैं। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर देना, इसको शेयर कर देना, और दोस्तों अगर आपका कुछ सवाल हो तो आप हमसे नीचे कमेंट में भी पूछ सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में तो फिलहाल इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।